देखिए दोस्तों, इसीलिए कहते हैं यहाँ एक्सीडेंट जो होता है ना, तो देखिए किस प्रकार होता है। इसका ब्रेक फेल होके पूरा बॉडी अलग, चेचिस अलग। और ये देखिए मम्मी यहाँ पे बैठे हुए है पूरा, मतलब अभी घर तुम्हें थोड़ा सामान दिख रहा है बहुत ज्यादा, क्योंकि पूजा है ना, तो उसी को लेकर सारा सामान मम्मी लेके रखी है। दोस्तों अभी हम लोग घर के पास आ चुके हैं और एक चीज खुशखबरी है कि हमारा नली बन गया। ये देखिए लाइट भी लग गया और कनेक्शन भी पूरा सब कुछ हो गया है। दोस्तों घर का काम तो देखे अभी हम, तो घर का काम तो सही चल रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारे नए ब्लॉग में फिर से स्वागत है। दोस्तों अभी सुबह का 8 बज रहा है और पिछला ब्लॉग में आप लोग देखे थे कि हम लोग रांची खाली करके और रुक गए थे, क्योंकि काफ़ी रात भी हुई था और इधर बारिश भी चालू हो गया था। रात में काफ़ी बारिश हुआ तो हम लोग यही रुक गए थे। हम लोग सुबह अभी हम लोग तैयारी किए घर जाने का, तो ऐसे भी हमारा छुट्टी अब चालू हो गया, गाड़ी हमारा खाली हो चुका है। तो अभी से लेकर कम से कम 20 तारीख तक हमारा छुट्टी रहेगा। हम जो भी मेरा ब्लॉग भी बनेगा आगे घर का ही बनेगा, तो आप लोग घर का ही देखने को मिलेगा। हमारे कुछ फैमिली में आने वाले हैं, सबसे मिलवाएंगे आपको। और सागर जाने वाला है फिर जामतड़ा, क्योंकि गाड़ी तो जा नहीं रहा है, तो सागर जाएगा जामतड़ा। तो दादी फुआ दोनों ही आने वाली है वहाँ से। अब सागर जाएगा तो देखिए दोनों को लेकर आने वाले वहाँ से। और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो हम लोग इसलिए भी रुक गए थे बारिश कारण में कि चलो दिन में निकलेंगे घर के लिए, तो कुछ अपना घाटी का जो रांची है और रामगढ़ के बीच जो घाटी पड़ता है वो घाटी भी आप लोग दिखा देंगे और कुछ ब्लॉग भी बन जाएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अभी। दोस्तों रात में इतना बारिश हुआ इधर कि देखिए मतलब 1-1.5 घंटा बारिश हुआ, पूरा एकदम बारिश गड्ढा उड्ढा भर गया, गीला कर दिया पूरा रोड को एकदम। इसी टाइम में धोखा हो जाता है, अभी सीजन तो है नहीं, और जिसका खुला माल रहता है वो चल जाता है, निकल जाता है। कई बार हमारे साथ भी धोखा हुआ है कि रात में कई बार लगा कर सोए हैं, तिरपाल वाल मारे नहीं है, जैसे ये गाड़ी है जिसने तिरपाल मारा हुआ है, पता नहीं क्या माल है क्या नहीं, आदमी हल्का फुल्का मार देता है। अब ऐसा अगर सोए में बारिश आ जाए तो माल भीग ही जाता है। ऐसे सबसे बड़ा टेंशन रहता है सीमेंट का, सीमेंट हो गया और गेहूं चावल भी जो होता है वो भी अगर भीग जाए नुकसान हो जाता है। कितना बारिश हुआ देखिए, पूरा पानी भरा हुआ है इधर। चलिए हमारा यहाँ से घाट स्टार्ट होता है, घाट होते हैं पहले। दोस्तों जब ये घाटी बन रहा था तो हम लोग चलते थे इसमें, तो इसमें यहाँ पे एक सांप निकला था बहुत बड़ा, किंग कोबरा बोल के, बहुत ही पुराना जंगल वगैरह भी था उस समय, कटिंग उटिंग करके इसको बनाया गया है, पहाड़ भी कटिंग करके। तो वो किंग कोबरा एक सांप निकला था बहुत ही भयानक, लेकिन उसको लोग ऐसा मतलब अफवाह उड़ा दिया कि 5 मुंडी वाला सांप है वो, और एक वीडियो मतलब बना करके एडिट करके जोड़ जाड़ के किसी ना बहुत ज़्यादा वो वायरल हुआ था कि 5 सर वाला सांप निकला है, 5 सर। लेकिन हम लोग जानते थे कि वो तो अफवाह था, आप लोग भी सर्च कीजिएगा ना तो दिखेगा आज भी। देखिए दोस्तों, इसीलिए कहते हैं यहाँ एक्सीडेंट जो होता है ना, तो देखिए किस प्रकार होता है। इसका ब्रेक फेल होके पूरा बॉडी अलग, चेचिस अलग, केबिन देखिए कहाँ चला गया है, लगता है इसमें कोई कोयल वोयल माल होगा इसमें, केबिन देखिए कहाँ है। अब ये तो बता नहीं सकते कि ड्राइवर क्लास से क्या हुआ होगा, हम तो खुद बहुत दिन बाद आ रहे हैं इधर में। तो इस घाटी में यही होता है, ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक फेल कर लेता है, तो नया ड्राइवर लोग आके वही फंस जाता है। वही एक जगह ऐसा है जो खुला जगह है, ड्राइवर सोचता है गाड़ी को रोक लेंगे वही साइड में लगा करके। दोस्तों ड्राइवर लोग जो है कि घाटी में ही, हम लोग खुद बोले ड्राइवर है, खुद हम लोग डरते हैं थोड़ा घाटी लेकर के, कि घाटी में बहुत ही आराम से गाड़ी चलाना चाहिए सदा, क्योंकि हम लोग का साथ अगर कोई दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट होता है, तो घाटी में ही ज़्यादातर होता है। ऐसे मेन रोड में कुछ नहीं होता जल्दी तर, ये घाटी एरिया में ज़्यादा ही होता है। आप लोगों को पहले ही बता दिए हैं कि ब्रेक फेल के कारण हो जाता है ऐसा टाइप का, तो बहुत संभल के चलना चाहिए, देखना चाहिए कहीं अगर लिखा हुआ बोर्ड में, नया रोड में चल रहे हैं और बोर्ड में लिखा हुआ है कि आगे घाटी है, तो पहले से संभल के चलो, या फिर नहीं भी लिखा हुआ था बोर्ड में तो आदमी पूछताछ भी करता है कि हमको वहाँ जाना है तो क्या घाटी पड़ेगा, तो इधर से डाउन पड़ेगा कि चढ़ाई पड़ेगा। इस टाइप का हम भी बात करते हैं, हम भी गए जहाँ जहाँ जाते हैं नया जगह पे, हम ये चीज़ ज़रूर पूछते हैं कि घाटी पड़ेगा क्या, तो इधर से डाउन है कि चढ़ाई है, ये सब चीज़ बात करते रहना चाहिए। होटल में चाय पीते हैं, खाना खाते हैं, कोई ड्राइवर होता है उससे बातचीत करते हैं। यही रास्ता रामगढ़ सिटी जाने वाला है, ये जगह हम इसलिए बता दें कि आदमी सीधा सीधा बाहर चला जाएगा, ये बाहर अपना बरी टाटा बरी हो गया, पटना हो गया, ये सब जा सकते हैं, ये अंदर का रोड रामगढ़ सिटी में चला जाएगा। दोस्तों हम लोग भी बाईपास से ही जा रहे हैं, हमारा घर भी तो रामगढ़ सिटी में पड़ता है, तो हम जा नहीं सकते, अभी 9:00 लग गया, तो जा रहे हैं बाहर घूमते हुए बाईपास होते हुए। दोस्तों अभी हम लोग थोड़ा आगे पहले रुक गए हैं थोड़ा पूछने के लिए, केबिन के अंदर जो छेद हुआ है वो शायद ठीक हो जाए सोल्डिंग करने से। अरे बोल ना कि जो केबिन है ना टेढ़ा वाला ऊपर सोना में जॉइंट मिला हुआ ना ऊपर में, और दो चार जगह फटा हुआ है, फटा हुआ है भैया, वो तो नहीं हो पाएगा होगा ना, वो भी गैरेज से लगवा कर ठीक करवा, तो अंदर से होगा वो।
दोस्तों अभी शाम के 4 बज चुके हैं और हम लोग घर आ गए थे करीब लग रहा है 11 बजे के आसपास ही आ गए थे। तो इतना ज्यादा यहाँ बारिश हुआ वहाँ पे हम लोग काम भी नहीं करवा पाए। ऐसे भी वो मना कर दिए थे, बोले बारिश में भी कराएंगे सोल्डिंग वोल्डिंग का काम तो करंट का पूरा प्रॉब्लम रहता है ऐसा करके। वो बोले बॉडी गैराज में कहीं करवा लेना, तो इसीलिए हम लोग वहां से गाड़ी भी फिर आगे ले आए। और पापा तो अभी शाम जैसे हुआ अभी निकल गए, हम आके थोड़ा सा लेट गए थे अभी उठे और इतना ज्यादा यहाँ ठंड कर दिया है। और देखिए थोड़ा कपड़ा दिख रहा होगा आप लोगों को ऊपर, वो क्या कि जो पापा का सारा कपड़ा था वो मम्मी आके ही सारा फीस दी थी। और ये देखिए मम्मी यहाँ पे बैठी हुई है पूरा, मतलब अभी घर तो मैं थोड़ा सामान दिख रहा है बहुत ज्यादा क्योंकि पूजा है ना, तो उसी को लेकर सारा सामान मम्मी लेकर रखी है। ये सब साड़ी है कुछ, मतलब भगवान को चढ़ेगा ऐसा करके ना। और किसी देने के लिए भी है पंडित जी को, और घर में आएंगे सब तो उनके लिए भी है, पंडित जी के लिए भी है। और ये घर छोटा है इसीलिए भरा भरा दिखता है पूरा, आज बारिश हो गया तो कपड़ा घर में ही डाल दिए है। तो वही दोस्तों अभी जा रहे हैं अभी पापा को बुलाने के लिए, अभी फिर जाएंगे थोड़ा सा दिखाते हैं घर में भी कितना काम हो गया है। दोस्तों अभी हम लोग घर के पास आ चुके हैं और एक चीज खुशखबरी है कि हमारा नली बन गया। ये देखिए ये तो हमारा नहीं है, मतलब वो लोग को बोले सब लोग हम लोग मिल के बोले तो गवर्नमेंट वाले लोग यहाँ नली बना दिए, अब वहाँ पे पानी जमेगा नहीं, वो आराम से निकल जाएगा ये देखिए। लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम एक लग रहा है कि इधर का साइड हमको डाउन लग रहा है और इधर थोड़ा ऊंचा लग रहा है, अब मालूम चला उधर का नली का पानी इधर आ जा रहा है ऐसा करके। तो वो अंकल जी बोले हैं कि लास्ट में यहाँ पे आके लोग मतलब मैनेज कर देंगे इसको, अभी काट के वापस फिर गड्ढा कर देंगे ऐसा करके। तो अब सही हो गया नली बन गया, तो ये प्रॉब्लम जो पानी का था ये सारा चला जाएगा। और अभी भी बारिश बहुत ज़्यादा हुआ, अभी मौसम थोड़ा सा सही किया है और शुभम भी आ गया है, अपना दोस्त से बात कर रहा है। ये सब अभी पुट्टी का ही काम हो रहा है सारा, ये पिलर में ये सब कुछ हो गया है और जो थोड़ा सा डिज़ाइन जैसा बन गया है, और बाकी फिर किचन का काम चल रहा है हमारा और लाइट का भी सारा काम हो गया। ये देखिए लाइट भी लग गया और कनेक्शन भी पूरा सब कुछ हो गया है। और दोस्तों हमारा सीढ़ी रूम भी प्लास्टरा नहीं हुआ था तो वो भी देखिए पूरा हो गया है, अभी पूरा नीचे से लेके ऊपर तक पूरा काम हो गया है, बस पुट्टी का काम अब बाकी है। अब यहाँ पे पुट्टी भी होने वाला है, ये थोड़ा सूखेगा उसके बाद ही होता है, इसलिए वो लोग काम अभी स्टार्ट नहीं किए थे। चलिए ये भी काम हो गया, इधर नीचे का बस थोड़ा सा ये सब बाकी है फ्लोर बनाना, उसके बाद ये पूरा काम कम्प्लीट हो जाएगा, फिर दरवाजा लगना स्टार्ट हो जाएगा। और सीढ़ी में दोस्तों अभी ग्रेनाइट लगना बाकी है, वो भी काम नीचे से पूरा ऊपर तक का बाकी है, तो इसमें भी अभी हमारा बहुत टाइम जाएगा। और थोड़ा सा हॉल में भी अभी तक टाइल्स लगा नहीं है, इसका भी काम बाकी है, मतलब अभी भी देखेंगे तो बहुत, अभी हमको लगता है 2-3 महीने का काम होगा। और जैसे कि ये देखिए उधर से दोस्तों लगता हुआ आ रहा है, तो वहां से आते हुए पूरा एक ही लगेगा यहाँ तक, पूरा बालकनी में भी जाएगा ये पूरा ऐसा करके लग जाएगा, तो ये भी काम जल्दी हो रहा है थोड़ा। और ये देखिए रूम में भी इधर भी लाइट का पूरा काम हो गया और स्विच बोर्ड भी लग गया है हमारा सारा। ये तो अभी ये काम नहीं करेगा ना? नहीं अभी तो धीरे बोल रहे हैं, काम स्पीड करते हैं कि नहीं वो बताइए पहले। पूरा स्पीड हो रहा है, पूरा हो रहा है ना। चलिए ठीक है काम स्पीड। और वो देखिए वो मीट मसाला बनाते तो आपको भी खिलाएंगे, बस थोड़ा सा काम जल्दी कर दीजिए। ये देखिए ये सारा काम हो रहा है अभी पूरा, अभी थोड़ा बिखरा हुआ सामान भी है इधर, बाथरूम का भी पूरा टाइल्स वाइल्स सब कुछ लग गया है। ये देखिए इसमें भी टाइल्स लग गया है, इसका भी काम लगभग हो गया है, बाकी फिनिशिंग का नल वगैरह ये सब लगना बाकी है। और रूम तो लगभग पूरा तैयार हो गया है, इसका खिड़की ये सब अभी साइज सब सारा चला गया है, ये अभी बनने वाला है। दोस्तों अभी जितना देख रहे हैं लगभग सारा काम हो ही गया है, हमको लगता है और 2 महीने के आसपास जाएगा, क्योंकि जो ठेकेदार हमारा सिविल वर्क पूरा कंप्लीट हो गया, बस वही थोड़ा वायरिंग का काम चल रहा है और वायरिंग का भी थोड़ा तेजी हो रहा है, सारा रूम का हो गया, बस ये सब हॉल का बाकी है। इसके बाद फिर ये पुट्टी का काम बाकी है, ये पुट्टी पूरा करते हुए नीचे ऊपर से नीचे सीढ़ी का बाकी है, बाकी सारा रूम का हो गया है और ऊपर छत का भी काम कम्प्लीट हो गया है। यानी चलिए अब ज़्यादा नहीं, बस 2 महीना और इंतजार करते हैं फिर हो जाएगा, इसीलिए हम लोग पूजा पहले करवा लिए। और पंडित जी बोले थे इसके बाद थोड़ा मुहूर्त नहीं है इसी को लेकर, नहीं तो हम लोग और 2 महीना रुक के ही पूजा करवाते, उसके बाद ही हम लोग अंदर आते। तो चलिए अब सारा अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है और धीरे बस एक बाउंड्री का काम बाकी है हमारा, वो अशोक जी काम करवाएंगे ठेकेदार जो हमारे हैं, बाउंड्री का काम कम्प्लीट करके उनका काम पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए अच्छा है दोस्तों और इंतजार करते हैं, जल्दी हमारा घर भी कम्प्लीट हो जाएगा। दोस्तों इधर बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है तो जो सिविल काम करने वाले रहते वो लोग आ नहीं रहे, इधर पीछे साइड में प्लास्टरा बाकी है तो प्लास्टरा हो रहा है, फिर पानी वगैरह छूटेगा तो वो लोग फिर से आने लगेंगे। दोस्तों इधर भी थोड़ा पुट्टी बाकी है हमारा होना और ये सब में तो हो गया है, और इधर ये लोग जो हमारे सिविल वर्क वाले थे वो लोग इधर थोड़ा बांस लगा रहे हैं ऊपर से लेके पूरा नीचे तक, तो इधर ये लोग साइड में पीछे तरफ अब काम करेंगे। इतना छोटा छोटा टाइल्स का पीस यहाँ पे कट करके रखा हुआ है, ये सबको भी यूज में लेना पड़ेगा, तो ये सब भी देखते कहीं यूज करवा ही देंगे साइड साइड में बॉर्डर का। ये जो दोस्तों है ये हमारे मतलब पूरा घर का सबसे बड़ा बाथरूम यही है, इससे पहले जितना भी बाथरूम है थोड़ा छोटा इतना ही दूर तक है, इसमें एरिया थोड़ा सा ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि ये छत था इसी को लेकर हम लोग थोड़ा इसको ज्यादा बड़ा बनवा दिए। चलिए इसमें भी टाइल्स लग गया है, यहाँ पे एक बचा हुआ लगता है यहीं पे साइड लगेगा, वो वाला पार्ट जो वहाँ बचा हुआ है वो यहीं पे लग जाएगा,
और देखिए ये भी पूरा कंप्लीट हो गया है। टाइल्स हम लोग यहीं थे, इतना दूर पता नहीं कितना है, ये शायद 7 फीट के आसपास है, 7 फीट में हम लोग ये लगवाया है, तो ये भी अच्छा लग रहा है। ऊपर थोड़ा खाली रहेगा ऐसा करके। दोस्तों अभी देख सकते हैं इतना नली का काम हो गया है, ये पीछे से पूरा बनता हुआ आ रहा है, और इधर भी देखिए अभी इतना पानी जमा हुआ है, तो ये लोग यहाँ से जब कनेक्शन पूरा खोल देंगे तब ये पानी निकल जाएगा, इधर पूरा उधर चला जाएगा। दोस्तों घर में आने के बाद पापा ज्यादातर घर में रुकते नहीं है, उनके जितने फ्रेंड है उन्हीं लोग से मिलने के लिए चले जाते हैं, तो अभी चले गए, करीब 3 बजे गए और अभी तक आए नहीं। हम उनको फोन किए थे तो अभी बोल रहे हैं अभी भी 1 घंटा के आसपास लगेगा। और अभी दोस्तों हमारा पानी का भी कनेक्शन नहीं हुआ है, ये देखिए पाइप अभी जा रहा है, इसी से हम लोग पानी लेके पूरा यूज करते हैं। तो ऊपर में ही जगह बना दी है, हम लोग टंकी वहीं पे रखेंगे, अभी चलते हैं वो जाके दिखाते हैं, थोड़ा इसके ऊपर भी हम गए नहीं है। दोस्तों अब यहाँ पे देखिए टंकी भी रख दी है हम लोग, और टंकी का ये रखने के लिए ये भी हम लोग बनवा दिए थे यहाँ पे अच्छे से, सुप्रीम कंपनी का ये लिए थे। तो चलिए लगता है ज्यादातर कनेक्शन हो गया है। ये जो बोरिंग का है ये मेन आ रहा पाइप, अभी इसको ये इस पे लगा दिए, अभी इस पे कनेक्शन नहीं हुआ है, वो यहाँ पे शायद कनेक्शन करेंगे। तो अभी जितना हम लोग पानी यूज करते हैं सारा इधर ही इसी से आता है, इसलिए उसको अभी अलग से करके रखे, बाकी सारा देखिए कनेक्शन हो गया है पानी का भी। दोस्तों हमारे घर में पूजा रूम एकदम यहाँ पे बनेगा, ये भी अभी यहाँ पे टाइल्स तो लगे गया था तो इसका भी यहाँ पे नहीं बना है, ये सोच रहे कैसे करके बनाना है पूजा रूम का। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूरा लगेगा, ये टाइल्स के लिए अभी जगह छोड़े हुए हैं। जो भी कोई भी घर में आएगा सबसे पहले यहाँ पूजा रूम मतलब दर्शन हो जाएगा भगवान जी का, ऐसा करके इसलिए हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं। और घर से निकलते ही रूम से जो भी रूम से निकलेगा तो सबसे पहले यहाँ पे मंदिर प्रणाम कर लेगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे जो काम है वो करेंगे। दोस्तों अभी पापा भी आगे है तो मिल लिए सब दोस्त से? नहीं मिल लिए, बारिश हो रहा है, कुछ मिला कुछ गए तो बारिश में फंस भी गए थे, बारिश में निकल नहीं पा रहे, फिर सबसे मुलाकात हो ही रहा था, बैठे हुए थे, कुछ ऐसे पुराना बातचीत हो रहा था तो बारिश से चालू हो गया। तो आ गए घर पे देखने के लिए क्या क्या हुआ है इधर भी। दोस्तों घर का काम तो देखे अभी हम, तो घर का काम तो सही चल रहा है, मौसम गड़बड़ हो जा रहा था, बाहर भी प्लास्टर करना था लेकिन बारिश हो रहा था, आज मिस्त्री बाहर नहीं लगा, इसी में घर का काम थोड़ा सा लेट हो जा रहा है। तो अभी थोड़ा मौसम छूटा हुआ था, हम भी बाहर निकले हुए हैं, तो बारिश तो हो रहा था, दिन भर से निकले नहीं थे, तो काम हो रहा, कुछ मेहमान भी मेरे आने वाले हैं, तो हमारा क्या है कि 2 दिन का 2 बार का बन रहा है समय, एक पूजा का और उसके बाद फिर जिस दिन गिरी प्रवेश करेंगे हम लोग उस दिन का भी चलेगा हम लोग का। तो हम लोग को कुछ समय तालमेल नहीं खाया, मेरा घर ही कम्प्लीट नहीं हो पाया, तो मुहूर्त जो है सिर्फ हम लोग को 3 दिन मिल रहा है, 17, 18, 19, उसका फिर मुहूर्त नहीं है, उसके लिए हम लोग पूजा करना जरूरी है। तो हमारे कुछ मेहमान भी सागर का नानी है दादी है ये सब भी आने वाले हैं और भी कुछ बाहर से आने वाले हैं, तो मिला जुला कुछ पूजा के लिए हम लोग कर रहे हैं वहाँ फिर पूजा के लिए। उसके बाद जिस दिन हम लोग घर में जिस दिन गिरी प्रवेश करेंगे उस दिन फिर सबको बुलाना है और शानदार पार्टी भी देना है उस दिन। तो ठीक है दोस्तों देखते हैं कब तक मतलब हम 2-3 दिन में और कितना काम आगे बढ़ता है। दोस्तों अभी शाम के 7 बज चुका है और देख सकते हैं हम गाड़ी में आ गए हैं, तो गाड़ी में आने के बाद थोड़ा सा स्टार्ट वर्क करना पड़ता है, दिन में गाड़ी खड़ा था और बारिश तो आज दिन भर हुआ, तो सागर का प्लानिंग रहता है कि मतलब गाड़ी पे ही सोता है सागर, जो पूजा का जो हम लोग आए हुए हैं पूजा करने के लिए गाड़ी घर का, तो अभी हम लोग क्या गाड़ी किसी पार्किंग में लगाने वाले हैं, तो 4 लाइन में पार्किंग वगैरह है, बहुत सा होटल भी है पार्किंग भी है, तो उधर कहीं लगाएंगे गाड़ी को। तो अभी तो जब तक यहाँ पर 1 दिन रहेंगे तो अभी हम लोग घर का पूजा में जब हम बैठ जाएंगे तो भी हम गाड़ी जाकर लगा देंगे उधर, तो जब तक है तो गाड़ी आगे स्टार्ट वगैरह करना पड़ता है कर देंगे। सागर मेरा गाड़ी में ही सोता है, गाड़ी में ही रहता है सागर। तो ठीक है दोस्तों गाड़ी तो हम स्टार्ट कर लिए है, गाड़ी बंद भी कर दी है, अब जा रहे घर, खाना खा के हम सोते हैं, सुबह सागर जो सुबह फिर घर आ जाता है अपना, तो ठीक है चलते हैं घर अभी। दोस्तों अभी सुबह के 7 बजे रहे हैं, कल रात में तो आके हम गाड़ी में ही सो गए थे, क्योंकि जब तक अभी रोड पे गाड़ी रखे तब तक आगे थोड़ा देखना पड़ेगा, दूसरे का गाड़ी है थोड़ा ध्यान तो देना ही पड़ेगा, घर आने का मतलब ये नहीं कि गाड़ी को ही भूल जाए, इसलिए हम यहाँ आके सो जाते हैं रात में। और अभी पार्किंग में गाड़ी लगा देंगे तो कोई टेंशन नहीं, वहाँ गाड़ी रहेंगे वो अपना देख लेंगे। तो चलिए जब तक वहाँ पे मतलब खाली नहीं था इसलिए हम यहाँ पे ले आए थे डायरेक्ट, यहाँ से थोड़ा दूर भी है, करीब हमको लगता है 5-6 किलोमीटर के आसपास होता है पार्किंग दूर, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ट्रक ले आए थे। कल तो आप लोगों को पूरा घर का काम भी दिखा दिए थे, बस किचन का काम नहीं दिखा पाए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा सामान रखा हुआ था, अंदर जाने का रास्ता नहीं था। और दोस्तों दादी और बुआ को लाने के लिए आज नहीं तो फिर हम कल निकल जाएंगे, आर एस बुआ मना कर रही है कि नहीं आ पाएंगे, एक जन को वहाँ घर में रहना पड़ेगा, तो हम तो बोले है कि दोनों को ही लेके आएंगे, अब देखते हैं वहाँ जाके बात करेंगे अच्छे से दादी से। तो ठीक है दोस्तों अभी जब तक घर में रहेंगे तब तक तो अभी थोड़ा घर का ही ब्लॉग बुलाना पड़ेगा, अभी हमारा छुट्टी चल रहा है और पापा भी अभी घर में ही है। तो ठीक है दोस्तों इस ब्लॉग को ये एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।